वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 20th of September को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जैसा कल डिस्कस किया था कि ये लेवल 3250 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ से अगेन ये इस तरीके से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अब जो कि ऊपर से 3-4 दिन लगातार ये नीचे फॉल हुआ है, तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न की हम लोग को एक्सपेक्टेशन थी, तो नीचे भी स्विंग बन गया, ऊपर भी स्विंग बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड है बिकॉज अब हम लोग को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर हम लोग को, और ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ पे ये साइडवेज जाने का सिनारियो है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन था, इसका तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वाला स्विंग था, आपको याद होगा पिछले वीडियो से आपको पता होगा कि यहाँ पे ये रुका क्यों है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्विंग है लगभग 3570 के आसपास है, तो एक यहाँ से अच्छा टारगेट है। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के निकलना होगा, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉल था, ये एक्सपेक्टेड था। अभी हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल हो, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और कल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे, तो अगर कल के दिन ये क्या करता है, लगभग 3300 लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो हम लोग एक यहाँ पे 3340 के 8 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की ओर अगर ये 3250 का ब्रेकडाउन करेगा, याद रखेंगे ब्रेकडाउन, ठीक है, तो 3220 तक का हम लोग को एक नीचे की ओर लेवल ये दिखा सकता है। तो ऊपर और नीचे इस तरीके से दिखा सकता है लेवल, और जिस तरीके से ये यहाँ पे मोमेंटम किया है, इन लेवल से ज़्यादा इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, यहीं से इसको बाउंस बैक दे देना चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।